हुकूमत पंजाब ने लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दुकानें हफ्ते में सिर्फ 4 रोज खोली जा सकेंगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हार्डवेयर स्टोर, पेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फैक्ट्रियों और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को काम की इजाजत। जनरल स्टोर्स, फ्रूट, सब्जी मंडी, नाई की दुकानें और जिमनेजियम भी खुलेगी। लॉकडाउन के दौरान कौन कौन से कारोबार बंद रहेंगे? हुकूमत का तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट, सिनेमाज और होटल न खोलने का फैसला। बड़े शॉपिंग मॉल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। कोरोना से बचाव के लिए शहर में लॉकडाउन का 48वां रोज। छुट्टी के रोज शहर में ट्रैफिक तो कम मगर डबल सवारी की खिलाफ वर्जी जारी। ट्रैफिक एहलकारों की जानिब से शहरियों को घरों में रहने और मोटरसाइकिल सवारों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। 226,712 शहरियों को नाकों पर रोका और नकल हरकत की वजह पूछी गई। 215,373 शहरियों को वार्निंग, घरों को वापस भेजा गया। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के बगैर इसरा बाजार खुल गया। ईद की शॉपिंग के लिए दुकानों में खरीदारों का रश। दुकानदारों और शहरियों ने मिलकर हिफाजती SOPs धजा में उड़ा दिए। कोरोना वायरस मजीद फैलने का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंचाने का फैसला। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की जेर सदारत इजलास। सूबे में पेट्रोल की कीमतों में कमी के अशियाए खुरनोश के निरखों पर असरात का जायजा लिया गया। इंतजामी अफसरान अशियाए खुरनोश के मुकर्रर निरखों पर फरोख के लिए खुद फील्ड में निकले, चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। कोरोना के बाद जारी 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के 488 मरीज सामने आ गए। तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 3,856 हो गई। 68 अफराद जांबाग, 4,062 अफराद सेहत याब। पंजाब में कोरोना के 961 नए केस रिपोर्ट हुए। तादाद 10,033 हो गई। अब तक 183 अफराद दम तोड़ चुके, जबकि कैंप जेल से कोरोना वायरस का सफाया हो गया। आखिरी जेरे इलाज कैदी भी सेहत याब हो गया। कोरोना के शदीद बीमार मरीजों पर क्लोरोक्विन दवा का तजुर्बा करने से रोक दिया गया। तजुर्बा मुझे सेहत हो सकता है। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप का तमाम टीचिंग अस्पतालों को मरासला जारी। SGU और ICU में कोरोना मरीजों पर क्लोरोक्विन का इस्तेमाल न करने की हिदायत। कोरोना के खिलाफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का अहम इकदाम। यूनिवर्सिटी में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का सिलसिला शुरू। कोरोना से सेहतयाब होने वाले 2 अफराद ने अपने खून का अत्या दे दिया। कोरोना से सेहतयाब होने वाले सिटी फॉर्डिजो के पहले कारकुन सैयद असद नदीम ने प्लाज्मा अतिया किया। मारूफ मुआलिज डॉक्टर नाहिद नदीम, सहाफी सैयद असद नदीम प्लाज्मा अतिया करने वालों में शामिल। यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से भी अच्छी खबर आ गई। कुकिंग ऑयल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। कुकिंग ऑयल की कीमत में चांद रात तक कमी की गई। ईद के बाद कुकिंग ऑयल की कीमत बढ़ा दी जाएगी। हुकूमत को पंजाब पुलिस का ख्याल आ ही गया। कोरोना का हिफाजती सामान खरीदने के लिए 7.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए। फंड से सैनिटाइजर्स, मास्क, किट्स और ग्लव्स खरीदे जाएंगे। सबसे ज्यादा लाहौर पुलिस को 1,47,00,000 रुपए जारी किए गए। CTO लाहौर को 15,00,000 रुपए के फंड जारी किए गए। पुलिस अफसरान के दफातर में ड्यूटियां करने वाले अहलकार तनख्वाहों से महरूम। अहलकारों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। 1100 से ज्यादा रिटायर्ड फौजी अहलकारों का कॉन्ट्रैक्ट 26 अप्रैल को खत्म हो गया था। पुलिस ने अहलकारों के कॉन्ट्रैक्ट में मजीद 2 माह की तौसी कर दी। शहरी इमरजेंसी 15 पर कॉल्स करके पुलिस को तंग करने लगे। पंजाब भर से 15 पर 18,79,000 कॉल्स मौसूल की गईं। 10,73,445 जाली कॉल्स की गईं। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1,24,136 केसेस रिपोर्ट। इदारा पंजाब एम्प्लाइज सोशल सिक्योरिटी का कोरोना मरीजों के लिए बड़ा इकदाम। सोशल सिक्योरिटी हस्पताल में मुश्तबा कोरोना मरीजों के लिए खुसूसी डाइट प्लान तैयार। डाइट प्लान माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सज्जाद की जानिब से तैयार किया गया। मरीजों को फ्रूट में केला, सेब, माल्टा दिया जा रहा है। गोश्त में मुर्गी और मटन, जबकि
कलौंजी का कहवा भी दिया जा रहा है। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड की मुस्तकिल तैनाती के लिए 13 मई को इंटरव्यूज होंगे। इंटरव्यूज सिविल सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के कमेटी रूम में होंगे। अफसरान को अपनी दस्तावेजात के हमरा वक्त से पहुंचने की हिदायत। रमजान मुबारक का निसफ हिस्सा गुजरते ही सब्जियों के नरखों में कमी का रुझान। लीमू का रेट 480 से 520 रुपए फी किलो में फरोख्त। आलू का मंडी रेट 50, फरोख्त 60 से 70 रुपए तक। प्याज का मंडी रेट 35, आम बाजार में 45 से 50 रुपए। टमाटर का मंडी रेट 25, बाजार में 30 से 35 में फरोख्त हो रहा है। कोरोना वायरस लॉकडाउन और रमजान मुबारक, शहर में महंगाई का तूफान। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता 10 रोज में मुर्गी की सरकारी कीमत में 45 से 50 रुपए इजाफा। कीमतें फरोख्त 265 रुपए तक पहुंच गई। शहर में मुर्गी का गोश्त आज 260 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इंसाफ की बरवक्त फराहमी का मंसूबा ख्वाब बन गया। विफाक के ज़ेर इंतज़ाम पंजाब में अक्सर खुसूसी अदालतें जजेस से महरूम। लाहौर में एहतसाब की दो अदालतों समेत 7 खुसूसी अदालतों में जजेस तैनात ना हो सके। पाक फजाइया की जानिब से मदर्स डे के मौके पर माओं को खिराज अकीदत। पाक फजाइया की खवातीन ने भी मदर्स डे पर खिराज अकीदत पेश किया। मदर्स डे पर पाक फजाइया ने प्रोमो भी जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक प्रोमो में नस्लों की तरबियत में मां को सलामी अकीदत पेश किया गया। मां दुनिया का सबसे पुरखलूस और चाहत वाला रिश्ता। आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मां से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार है। फाउंटेन हाउस में 40 साल से मुकीम कमर बीवी इकलौते बेटे की मुंतजर। बेटे के नाम पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल घबराता है। माँ से मोहब्बत आलमगीर जज्बा है जो किसी दिन और मौके का मोहताज नहीं। माँ से मोहब्बत और खिदमत हर फर्द की जबिलत है। वजीर आला उस्मान बुज़दार का माँ से मोहब्बत के इजहार के आलमी दिन पर पैगाम। कहते हैं माँ मोहब्बत और खलूस से औलाद की शख्सियत बनाती हैं। कुर्बानियाँ पेश करने वाली शहादा की माओं को सलाम पेश करते हैं। और पीसीबी की ड्रीम ऑलराउंडर जोड़ी मुहिम। वर्ल्ड कप 92 के कप्तान इमरान खान और शाहिद अफरीदी मकबूल तरीन जोड़ी करार। सोशल मीडिया मुहिम में 8 लाख से ज्यादा सारिफिन मुतहरिक हुए। शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज्जाक की जोड़ी दूसरे नंबर पर रही। पाक फजाइया की जानिब से मदर्स डे के मौके पर माओं को खिराज अकीदत। पाक फजाइया की खवातीन ने भी मदर्स डे पर खिराज अकीदत पेश किया। मदर्स डे पर पाक फजाइया ने प्रोमो भी जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक प्रोमो में नस्लों की तरबियत में मां को सलामी अकीदत पेश किया गया। मां दुनिया का सबसे पुरखलूस और चाहत वाला रिश्ता। आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद माँ से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार है। फाउंटेन हाउस में 40 साल से मुकीम कमर बीवी इकलौते बेटे की मुंतजर। बेटे के नाम पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल घबराता है। माँ से मोहब्बत आलमगीर जज्बा है जो किसी दिन और मौके का मोहताज नहीं। माँ से मोहब्बत और खिदमत हर फर्द की जबिलत है। वजीर आला उस्मान बुज़दार का माँ से मोहब्बत के इजहार के आलमी दिन पर पैगाम। कहते हैं माँ मोहब्बत और खलूस से औलाद की शख्सियत बनाती हैं। कुर्बानियां पेश करने वाली शहादा की माओं को सलाम पेश करते हैं। और पीसीबी की ड्रीम ऑलराउंडर जोड़ी मुहिम। वर्ल्ड कप 92 के कप्तान इमरान खान और शाहिद अफरीदी मकबूल तरीन जोड़ी करार। सोशल मीडिया मुहिम में 8 लाख से ज्यादा सारिफिन मुतहरिक हुए। शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज्जाक की जोड़ी दूसरे नंबर पर रही। पाक फजाइया की जानिब से मदर्स डे के मौके पर माओं को खिराज अकीदत। पाक फजाइया की खवातीन ने भी मदर्स डे पर खिराज अकीदत पेश किया। मदर्स डे पर पाक फजाइया ने प्रोमो भी जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक प्रोमो में नस्लों की तरबियत में माँ को सलामी अकीदत पेश किया गया। माँ दुनिया का सबसे पुरखलूस और चाहत वाला रिश्ता।
आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद माँ से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार है। फाउंटेन हाउस में 40 साल से मुकीम कमर बीवी इकलौते बेटे की मुंतजर, बेटे के नाम पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल घबराता। माँ से मोहब्बत आलमगीर जज्बा है जो किसी दिन और मौके का मोहताज नहीं। माँ से मोहब्बत और खिदमत हर फर्द की जबिलत है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का माँ से मोहब्बत के इजहार के आलमी दिन पर पैगाम, कहते हैं माँ मोहब्बत और खलूस से औलाद की शख्सियत बनाती हैं। कुर्बानियाँ पेश करने वाली शहादा की माओं को सलाम पेश करते हैं। और पीसीबी की ड्रीम ऑलराउंडर जोड़ी मुहिम वर्ल्ड कप 92 के कप्तान इमरान खान और शाहिद अफरीदी मकबूल तरीन जोड़ी करार। सोशल मीडिया मुहिम में 8 लाख से ज्यादा सारफीन मुतहरिक हुए। शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज़ाक की जोड़ी दूसरे नंबर पर रही।